गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोग ज्वाइंट और इनवर्स का लास्ट क्वेश्चन देख चुके थे और आज जो एक्सरसाइज आपके सामने है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहले थ्योरी देख लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, उसके एक्सरसाइज पे जाएंगे। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहीं ना कहीं आपके इनवर्स पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग इसका थ्योरी समझेंगे और जब समझेंगे तो फिर क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हम कर रहे हैं। नाम है समीकरण का निकाल। इसके नाम को पहले तोड़िए, नाम को ब्रेक कीजिए। नाम में ही देखिए बहुत कुछ इसका छिपा हुआ है। सबसे पहला है सिस्टम और दूसरा लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है और सिस्टम कब बनता है? सिस्टम एक, अगर हम एक सिस्टम का निर्माण करें और उस सिस्टम में केवल हम ही रहे तो फिर वो सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम का निर्माण मैंने किया, अब मेरे अलावा और जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे तब वो सिस्टम का निर्माण होगा। ठीक वैसे ही लीनियर इक्वेशन, दो या दो से अधिक लीनियर इक्वेशन जब आएगा तब वो सिस्टम का निर्माण करेगा, ठीक है। तभी हम लोग उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर मान का उच्चतम भाग एक हो, उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। वैसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर मान का उच्चतम भाग एक हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण दो तरह का, कौन कौन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले और तीन चर वाले। अगर दो चर वाले होते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक्स और वाई दो चर कहलाएगा। तीन चर वाले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी एक्स वाई जेड, यहाँ चर हो गया, वेरिएबल हो गया। अच्छा, आप ये भी अनुभव करते होंगे कि जितने चर होंगे उतनी ही समीकरण का संख्या भी होगा, तभी आप यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दो चर वाले पहले और फिर तीन चर वाले, ये दोनों ही पढ़ना है हम लोग, ठीक है। बारी बारी से हम लोग दो चर वाले, तीन चर वाले या तीन चर वाले, दो चर वाले, बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है लीनियर इक्वेशन, आपको बताएं कि दो, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन तो बता चुके आप कैसा होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का निर्माण तभी होगा जब आप एक से अधिक को लाएंगे, तो एक से अधिक मतलब दो, दो चर आएगा तो दो समीकरण भी आएगा। अगर दो से अधिक आप लेते हैं तो तीन, तीन चर आएगा तो तीन समीकरण भी आएगा। तो हम लोग जो लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं उसमें दो समीकरण आ सकता है, तीन समीकरण आ सकता है, तीन इक्वेशन दो इक्वेशन। अब जब समीकरण आएगा उसका सॉल्यूशन भी आएगा, तो पहले हम लोग समीकरण के बारे में कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर कीजिए, क्या है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू बी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। मैंने ये कॉन्सिडर तो किया है, मतलब मान लिया है कि तीन इक्वेशन है, इसी पे हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक। इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो कैसे लिख सकते हैं? जब तक इसको, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिस चैप्टर में हम पहुंचे हैं
उस चैप्टर तक मैंने सीखा क्या, उस चैप्टर तक मैंने मैट्रिक्स सीखा, डिटरमिनेंट सीखा, एडजॉइंट सीखा, ट्रांसपोज सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा और इनवर्स सीखा, तो उन्हीं सब का यूज करना है। तो यहाँ पे हमको पहले इसको सोल्व करने के लिए आप इसको मैट्रिक्स मेथड पे ही लेके जाके सोल्व करना होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। सिस्टम लीनियर इक्वेशन को या जरा जो टॉपिक पढ़ना है आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लेके जाना है, फिर इसको सोल्व करना। तो इन तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। ए इज इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री, ये फर्स्ट कॉलम होगा, बी वन बी टू बी थ्री सेकेंड कॉलम होगा, सी वन सी टू सी थ्री थर्ड कॉलम होगा। तो क्या होगा, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। अगर मैट्रिक्स बी की बात हम करें, एक्स वाई जेड, इसको हम लोग एक्स मान तो ज्यादा अच्छा है, और बी की बात करें अगर तो डी वन डी टू डी थ्री कर लेंगे। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लीजिए, तो आखिर किस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम फिर से यहां पहुंच जाए, क्योंकि इसी को हमने इस तरह से लिखा तो फिर इसको किस तरह से अरेंज करना है ना, कि अरेंज करके हम वापस यहाँ पे पहुंचे तो कैसे पहुंचे। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ax is equal to b। जैसे ही आप ax is equal to b करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखना करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, ध्यान दीजिए क्या है ax, तो a का हम लोग नंबर ऑफ रो लेंगे, b का नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डी वन। आप लोग इसको कॉपी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ लिखिएगा तो आ जाएगा, ऐसे आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हम थोड़ा सा दिखा देंगे। अभी पहले इसको एक काम कर ले, जो करना चाह रहे हैं आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये सेकेंड रो हो गया, फिर इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड, या क्या इज इक्वल टू बी करेंगे तो बी का बी टू हो जाएगा इक्वल, ऐसा ही ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू बी थ्री, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको अब तीन इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, और जब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, कैसे निकलेगा। अब कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एक्स वाले को एक साइड और बाद बाकी को दूसरे साइड में रखना होगा, एक को आपको यहाँ से हटाना होगा, हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं है कि ए डिवाइड कर देंगे, नहीं, क्या करेंगे, ए इधर आगे तो ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा ए इनवर्स बी। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, का मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b। अब x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b, ये एक a इनवर्स के बदले लिख देखिए, समझिएगा क्या x का वैल्यू निकालना है तो एडजॉइंट का वैल्यू निकालना होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा और b से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सॉल्यूशन करने का तरीका बता रहे हैं कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का प्रयास करें, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिख देंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स इज इक्वल टू क्या बी और एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए इनवर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स के बदले हम डिवाइड ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू क्या हमेशा निकल जाएगा, आप लोग के मन में लग गया कि हाँ निकल जाएगा हमेशा निकलेगा, नहीं, क्योंकि आप पढ़े होंगे जब यहां पे बात आती है तो x का वैल्यू ये p by q के फॉर्म में है ना, तो q अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर p by q के फॉर्म में है, q अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो समथिंग by जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट, तो x का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो निकल जाएगा, फिर तो फंस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका x का वैल्यू डिपेंड कहां पे करता है, आपका डिटरमिनेंट ऑफ a। तो अब इस डिटरमिनेंट ऑफ a का प्रोसेसिंग हम लोग आगे देखेंगे कि क्या डिटरमिनेंट ऑफ a
कर सकता है और क्या करेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाके हम लोग छोड़ते हैं, इससे बीच में हम लोग एक चीज को देखते हैं, फिर आगे हम लोग इसमें काम करेंगे, ठीक है। तब तक मैं एक बार फिर से इसको देख लीजिए कैसे कैसे हम लोग इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था, उसको हम लोग एक मिनट के लिए वहां रोक रहे हैं और थोड़ा सा बीच में एक चीज और स्टार्ट कर रहे हैं और फिर दोनों बात को मिला देंगे, जैसे अभी जो बताए उसको और अभी जो बताने जा रहे हैं उसको, इन दोनों बातों को मिलाएंगे। एक स्टेप था वहां तक हम ला करके उसको रोक दिए, अब दूसरे पार्ट को देखिए। होता है ना किसी कहानी में देखिएगा, एक पार्ट आगे गया फिर दूसरा पार्ट आगे आया और फिर दोनों पार्ट को आगे जाकर मिला दिया कि दोनों पार्ट कैसे मिल रहा है दूसरे से, वैसे ही यहाँ पे ठीक होने वाला है। तो इस पॉइंट का नाम यह था संगत, कॉन्सिस्टेंस। ये क्या है, वैसा समीकरण निकाले जिसका हल एक या अनेक ज्ञात हो सकता है या निकलता हो सकता है संगत समीकरण या कॉन्सिस्टेंस इक्वेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए यहां पे, वैसा कोई भी समीकरण जिसका या तो एक हल निकलता हो या अनेक हल निकलता हो, सब क्या कहलाएगा, कॉन्सिस्टेंस। और असंगत इनकॉन्सिस्टेंस, वैसा समीकरण निकाल जिसका कोई हल नहीं, क्या कह रहा है, असंगत समीकरण कहलाए। ठीक है, मतलब यदि समीकरण का सॉल्यूशन निकलता है चाहे वो एक हो अथवा अनेक हो तो संगत होगा, जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत होगा, इनकॉन्सिस्टेंस होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे हम क्या करें, तो मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग वन और मेनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंस। फिर से सुनिएगा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग वन और मेनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंस। अगर फिर भी दिक्कत लगे तो रिवाइंड बैक कीजिए, फिर देखिए। इनकॉन्सिस्टेंस, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंस। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंस। अब आइए कॉन्सिस्टेंस में क्या कंडीशन यहां से होता है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी ये तो दूसरा पार्ट हो गया, एक पार्ट वहां पर रखे थे, चलिए अब दोनों पार्ट को मिक्स करने की बारी आ गई। केस वन, व्हेन मतलब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो तो क्या होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा इस स्थिति में
समीकरण निकाय संगत होता है और समीकरण का केवल एक हल होगा। ये केस वन था। केस टू को देखें, आपने अभी अभी जस्ट हम इसके पहले बोले थे कि x का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a पर डिपेंड करता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू मतलब p बाय q के फॉर्म में है। यदि q इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो सामने स्थिति, अगर q इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए व्हेन जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 तब यहां से हम फिर दो कंडीशन चेक करेंगे। कौन कौन? फिर पीछे की और देखिए इसको क्या लिखा है। अगर x का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b, ठीक है। अब यहां से एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b है। डिटरमिनेंट a के बारे में आप भूल रहे हैं कि इक्वल टू 0 हो रहा है। बचा कौन? एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। पहला पार्ट आप देख लीजिए कि यदि एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो रहा है, तो अब एडजॉइंट ऑफ a इनटू b को चेक करेंगे हम लोग। इफ यदि एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इज इक्वल टू 0 तो इस स्थिति में समीकरण निकाय संगत होगा और समीकरण का अनेक हल। क्या समझे? डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आया, कंसिस्टेंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन, केवल और केवल एक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाए तो केवल हम यहीं पे करके नहीं छोड़ेंगे। यहां जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया फिर हमको आगे चेक करना है। क्या? एडजॉइंट ऑफ a इनटू b चेक करना है। यदि ये इक्वल टू 0 आ गया इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन हो रहा है। सॉल्यूशन जब होगा तो कंसिस्टेंस होगा, चाहे वो एक हल दे अथवा अनेक हल दे। तो इनकंसिस्टेंस ये आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अनेक हल है मतलब हल हो रहा है, कंसिस्टेंस होगा। अब दूसरा जो उसका पार्ट है बी में, दोनों ही पार्ट चाहे ए को हम लिखे अथवा बी को, ये ए या बी आए, इन दोनों के लिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आया तो फिर हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b चेक करेंगे, क्या इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है या फिर इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर नॉट इक्वल टू 0 नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें। सेकंड पार्ट में हम लोग एडजॉइंट ऑफ a इनटू b अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया अर्थात समीकरण निकाय असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। एक बात को समझिए,
दो पॉइंट था, पहला पॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो जैसे ही आया तो वहीं पे डिसाइड हो गया ये संगत होगा अथवा नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा अथवा नहीं होगा। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है तो वहां पर यह डिसाइड नहीं हो पाता कि यह कॉन्सिस्टेंस होगा, असंगत होगा या संगत होगा, उसके अंदर हमको जाना पड़ेगा और फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी चेक करेंगे। यदि वो इक्वल आ गया मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू जीरो आया, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर हम लोग इसमें आके रुकेंगे, ठीक है। ये हुआ सॉल्व करने का तरीका कि कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होंगे अनेक सॉल्यूशन होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व करने का तो स्टार्टिंग में आपको बताया कि ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखना है, फिर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक कीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है देन डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आपका निकल जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अभी आप क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर जितना भी है आप वहां तक जाएं लास्ट के सीखना में भी, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लास्ट में दो तीन क्वेश्चन ही हो सकता है उस पर बेस्ड हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैं केवल एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो उसको ए एक्स इज इक्वल टू ए बी और एक्स का वैल्यू लिख लीजिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी करिए, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करिए, उसके बाद ए इनवर्स बी निकाले, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको आता है बी निकालने के लिए, बी तो निकला हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वहां से कंपेयर तुलना कीजिए कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है तब तभी तक के लिए काम होगा, ठीक है। अभी आपसे केवल संगतता और असंगतता क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला, वो जब दो चार क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तभी मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर दो दो लीनियर इक्वेशन आ जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। कॉन्सिडर द लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। आपको क्या बताया गया, पहला के लिए इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आप एक काम करें सबसे पहले इसको यहां पर लिखें ए इज इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और बी इज इक्वल टू लिख लें सी वन सी टू। यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लें, क्या आने वाला है ए वन बी वन ए टू बी टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन यही आएगा ना। अब चलिए फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, कहता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, समीकरण लिखा है संगत होगा। अब देखेंगे यहां से जो पॉइंट है 2004 के आसपास में, 2004-2005 के आसपास में पहला ही क्वेश्चन था आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था और टेंथ में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो समीकरण दिया हुआ रहता है तो संगत के लिए क्या होता है, तो कहते हैं ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई, इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू के लिए एक सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा, नहीं प्रूफ पढ़े थे, यहां देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकाले हुए हैं ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो यहाँ पे लिखते हैं ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको आप इधर ले आए इक्वल के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ए वन बी टू इज नॉट इक्वल टू ए टू बी वन होगा, होगा तो क्या आएगा ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ध्यान दीजिए जिसको अगर यहां पे दिक्कत होता है आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें ए वन बी टू ए टू बी वन, ए वन बी टू ए टू बी वन क्या आया, जब दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है
और पूछे कि क्या बताइए इसका कंडीशन क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस होगा, अगर संगत होगा तो संगत होने के लिए क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू। कुछ आप में से होंगे बोले हाँ सर टेंथ में तो ऐसा पढ़े थे, तो टेंथ में आप पढ़े थे, प्रूफ नहीं पढ़े थे इसका, यहाँ पर हम लोग प्रूफ पढ़े कि कैसे हुआ। अब इसी में बी आ गई, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो आगे हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी चेक करते हैं। और ये क्या होता है, जब जीरो होता है तो समीकरण का अनगिनत हल होता है, ठीक है, क्या होता है अनेक हल होता है। यही ना हुए, चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया हुआ है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, यहाँ पे करते हैं ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से एक काम और करें, इसको इधर कर लेते हैं, तो जब इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, ए वन बी टू इज इक्वल टू ए टू बी वन, यही होगा ना। चलिए ठीक है, हम लोग इधर से चलते हैं, इसको निकाल के क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, पहला कंडीशन हम लोग पढ़े ना संगत कंसिस्टेंट के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका तो खत्म हो गया। और इनकंसिस्टेंट के लिए या कंसिस्टेंट के लिए तो दूसरा कंडीशन हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो चेक करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पता क्यों इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू आएगा। अब इसके नीचे जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसके नीचे में दो पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू जीरो अभी भी बताए थे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, बताया दोनों का बिल्कुल बताया हमने, इन दोनों का प्लेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज कर दी थी, क्या होगा बी टू ए वन और उन दोनों का साइन चेंज, तो माइनस बी वन और माइनस ए वन ए टू होगा इंटू ये एडजॉइंट हो गया इंटू बी करते हैं, बी आपका क्या हो गया सी वन सी टू इज इक्वल टू कितना जीरो, मल्टीप्लाई करने आता मल्टीप्लाई करके बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू, बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू इज इक्वल टू क्या जीरो। दो मैट्रिक्स है, दो अव्यव है, इन दोनों का गुणनफल कभी शून्य नहीं हो सकता, संख्या नहीं होता है, दो अव्यव का योगफल अंतर गुणनफल हमेशा एक अव्यव होता है, तो जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग जीरो 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 करके काम करेंगे, मतलब यहाँ क्या होगा शून्य आ गया। अब यहाँ से फिर क्या निकलेगा बी टू सी वन इज इक्वल टू बी वन सी टू, यहाँ से देखिए सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है ए वन, यहाँ से निकल के आ रहा है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अगर हम इसको वन मान लें और इसको टू मान लें, अभी तो एक ही पार्ट को हम इसमें मल्टीप्लाई करें, दूसरे पार्ट को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस ए टू सी वन प्लस ए वन सी टू, माइनस ए टू सी वन प्लस ए वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए वन सी टू इज इक्वल टू ए टू सी वन, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये आपका हो गया थ्री। इसके लिए काम खत्म हो गया, अगर पूरा मिक्स करेंगे ध्यान से नहीं समझेंगे पूरा को मिक्स करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पता नहीं। सबसे पहला चीज तीन लीनियर इक्वेशन को बताए उसको समझिए, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है तीन लीनियर इक्वेशन है, उसका अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो क्या करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए इनटू बी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सॉल्यूशन में भी बात आती है कि क्या एक सॉल्यूशन अनेक सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन नहीं, एक हल होगा अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, क्या होगा वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हल किसका होता है संगत का, वैसा समीकरण निकाल जो संगत हो उसका हल निकलता हो, और वैसा समीकरण निकाल जिसका कोई हल नहीं हो उसको असंगत कहते हैं। संगत में दो पार्ट, एक हल अनेक हल, जिसका एक हल हो यूनिक सॉल्यूशन हो उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जो कि यहाँ पर, और जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो में
आप देख लीजिए यहाँ से कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा पार्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। जब इक्वल टू जीरो होता है तो दो पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो करके चेक किए, इन दोनों को एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकाले, बी से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो सॉल्व किया यहाँ से दो कंडीशन, एक कंडीशन ये है एक कंडीशन ये है। क्या है? अगर हम केवल इन्हीं दोनों को देखें तो और यहाँ से हम क्या रहे हैं कि A1 by A2 बराबर है किसका? B1 by A2 का। तो 1, 2, 3 इन तीनों को अगर देखा जाए तो अनेक हल होने के लिए A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 होगा। क्या होगा? अनेक हल के लिए A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। या कब होगा? दूसरा पार्ट है जब डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0 होता है और डिटरमिनेंट ऑफ A into B is not equal to 0 होता है। एडजॉइंट ऑफ A into B is not equal to 0। देखिए इसको तो हम सॉल्व करके यहां पर निकाले हैं, इन दोनों को इक्वल जीरो था तो बराबर जीरो किए, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करके इससे क्या आया, यहां भी इक्वल जीरो है। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? तो कंडीशन तो यही दो निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? B2 C1, पहले इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, B2 - B1, A2 माइनस में है और A1, यहां क्या हो गया? C1 C2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या आएगा? कंडीशन जो आप यहां से देख रहे हैं कि B2 C1 - B1 C2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहां से यह आएगा कि B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। 2, 3 यहां मान लो, तो हम लोग 4 मान लेते हैं। और फिर दूसरा कंडीशन था A2 C1 + A1 C2, ये कहां से आया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहां भी आप करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहां नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू आएगा। इसमें और उसमें केवल फर्क यही है, यहां इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो इक्वल की, यहां नॉट इक्वल टू है, फिर नॉट इक्वल टू करेंगे। क्या आएगा? आएगा -A2 C1 + A1 C2 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब A1 / A2 नॉट इक्वल टू C1 / C2। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 5। अब 1, 4, 5 से देखें, अगर 1, 4, 5 से देखेंगे क्या होगा? A1 / A2 इज नॉट इक्वल टू B1 / B2 इज नॉट इक्वल टू C1 / C2, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ये था यहां तक, यहां तक में अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा किताब आपसे बन सकता है, लेकिन फिर भी इसमें एक ग्रामर रूल भी बहुत सारा जगह पे यूज होता है, जैसे आरडी शर्मा में देखें तो उसमें ग्रामर रूल का यूज हो जाता है, आर एस अग्रवाल में कोई ग्रामर रूल का यूज उतना है नहीं, किसी समय में सही है यही है, ग्रामर रूल का यूज नहीं है, लेकिन अगर ग्रामर रूल का भी यूज करना चाहें तो वो भी हम बता सकते हैं। पर आप पहले इसको क्लियर कर लें, इतना खत्म कर लें, इतना भी आपका आगे पहले समझ, जितना समझे हैं या जितना समझाया गया पहले उसको क्लियर करें, उतना भी आप बनाएं और उसके बाद हम लोग क्रैमर रूल पे जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लेने के चक्कर में कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो जितना बताया गया उस पर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कुछ देखेंगे, फिर जाकर के हम लोग देखेंगे। पहले तो आप आज अगर यही काम करें, इसी को जितना हो शुरू से लास्ट तक देखें वीडियो, और फिर कहीं अगर दिक्कत लगता है तो बैक होकर के पूरा धीरे 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 करके समझें इसको। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, और अपना सब्सक्राइब तो किए हुए है ही, जो नहीं किए हैं आपके मित्र उनको भूलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर आज के लिए, इतना ही रहने दीजिए।